व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट शो बॉय दिव्य सिंह। और मेरा नया हेयर स्टाइल और मेरा नया कैमरा जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आवाज़ बताना कैसी आ रही है? आई थिंक अच्छी आ रही होगी, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं कसौल, मणिकरण और कसौल। मणिकरण का पक्का नहीं, कसौल तो जा रहे हैं। कसौल के बाद फिर हम जाएंगे पराशर लेक, और इनमें देखते हैं कितने व्लॉग बनेंगे, एक या दो या तीन जो भी बनेंगे आप देखते रहोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से इस नई सीरीज की, मनाली के अंदर एक और नई सीरीज, ठीक है। सो चलो चलते हैं। और अभी मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये है मेरा नया कैमरा, और इसकी साउंड कैसी आ रही है आप लोग बता देना। बाकी देखने में तो हम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तो बड़ी अच्छी आ रही है, मेरी नहीं आ रही, मैं काला लग रहा हूं। तू ले भाई, अभी पूरा हुआ, सुंदर करो, सुंदर करो प्लीज। सही हो गया, ठीक है, चलो फिर चलते हैं। दिवेश तो एकदम गोरी बिल्ली लग रहा है। क्या कर रहा है शैम्पू? छोले कुलचे। छोले कुलचे ये वहाँ दिल्ली में और तरीके के चलते हैं। दिल्ली में क्या है, छोले अलग होते हैं, कुलचे अलग होते हैं। ये क्या आप छोले कुलचे के अंदर ही आपने छोले भर के और टिक्की भी डाली है ना इसमें, वहाँ टिक्की नहीं होती। तो वैसे कुल्लू तो पहुंच चुके हैं, पर अभी हम यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। कम से कम हो गए होंगे 10-15 मिनट से ज़्यादा, और अभी भी बहुत लंबा जाम मैप में दिखा रहा है, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुंच के, पता चलेगा। चलो भैया, अभी तो मैप में दिखा रहा है कि हमें कसौल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। पर कुछ HP वाले लोग हैं जो साइड से निकाल निकाल के ले आ रहे हैं, जाम को देख ही नहीं रहे, वो जो दूसरा रोड है उसे ही ब्लॉक कर रहे हैं। ये गलत बात है ना, फिर तुम बोलते हो कि हम यहाँ आके ऐसा करते हैं, हम नहीं कर रहे, हम अपनी साइड में खड़े हैं, अब HP वाले खुद कर रहे हैं, ठीक है भैया। बताना पड़ता ना, फिर लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग आके जाम लगाते हैं, हम जाम नहीं लगा रहे भैया, देखो जाम तुम खुद ही लगा रहे हो अपने शहर में, फिर हमें मत बोलना, हम तो खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी हमने जो है एक गलत रास्ता ले लिया, हम कुल्लू के अंदर आ गए जबकि मेन रोड से निकलना था, तो आगे से एक रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप में, पर ये वाला जो पुल है ये बंद है, तो अभी हमें यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा, और उसी पुल से वापस मेन रोड से आना पड़ेगा, और जहाँ जाम लगा हुआ था उसी जगह से। अब देखते हैं दोबारा ना फंस जाए जाम में, बस चलो चलते हैं। किधर जाना है मैं? इधर नहीं, उधर से उधर जाना है हमको, वहां पे हमें कसौल जाना है। यहाँ से आगे निकल जाएंगे, हाँ
ठीक है, थैंक यू। गलत टर्न ले लिया था, उसकी वजह से पूरा कुल्लू हम घूम के आए हैं और अभी रास्ता थोड़ा सा बढ़ गया है ना शायद। हाँ, थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि अभी हम पहले मणिकरण जाएंगे, ये कुल्लू के अंदर हो गया, अब तो पूरा हम शहर देख पा रहे हैं, तो एक तरीके से अच्छा भी हो गया। और हमें नहीं पता था ये इतना सुंदर शहर है, अंदर बहुत ही सही है, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्क हैं जैसे नोएडा वगैरह में होते हैं, तो बहुत जगह तो बहुत सुंदर लग रहा है, लग रहा है प्लेन एरिया ही है और कुछ जगह बहुत कंजेस्टेड भी है। बहुत कंजेस्टेड है, सिंगल वन वे है बहुत जगहों तो बीच में, पर मार्केट वगैरह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शहर होगा ये, बहुत सही। तो चलो फिर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर रुके हैं, भूख लग रही थी, अभी थोड़ा बहुत कुछ खाया तो था पर अभी ढंग से नहीं खाया था ना, क्योंकि अभी एक बज रहा है, लगभग 12 बज रहे हैं। सो यहाँ से कुछ केले वगैरह ले लें, सो रास्ते में खा सकते हैं उनको, उन दो को, और वो बढ़िया भी है, बचेंगे तो रात में काम आ जाएंगे, है कि नहीं। चलो लेते हैं शैम्पू गया लेने के लिए, फिर उसके बाद चलेंगे। अभी तो कुल्लू में ही है, मुझे कुल्लू ही खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे घूम रहे हैं। अभी हम मणिकरण रोड पर आ चुके हैं, सो चलते हैं। अभी हम जो है कसौल पहुंच गए लगभग, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बचा है, और नीचे जो है रिवर है, अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत ही सही आवाज़ आ रही है उसकी। और मतलब यहाँ पे क्या है कि मनाली वगैरह में ठीक है, पर यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपको ना इतना ग्रीनरी दिखेगी ना, इतना मस्त लगेगा ना यहाँ पे, ऐसा लगेगा कि आप मतलब सही में अच्छी। और ये बहुत नीचे एरिया पे, ये एकदम संन्यास लेने वाली, हाँ ये वैसे संन्यास लेने वाली, मतलब 5000 फुट पे आई थिंक, और मनाली तो 8 पे है। सो यहाँ ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी बहुत अच्छा है आराम से, और सबसे अच्छी बात है ग्रीनरी है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सिंपल मस्त। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ भाई कसौल, सो बहुत ही सही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार मैं मनाली आऊँगा तो यहाँ जरूर आऊँगा, पहले हो सकता है मैं यहीं आऊँ उसके बाद मनाली जाऊँ, क्योंकि ये जगह मुझे बड़ी सही लगी, बहुत शांति है और बहुत पेड़ है यहाँ पे। ये जो रास्ता है ना, ये उस रेस्टोरेंट जाने के लिए सामने में भी बोर्ड भी लगा। अच्छा, यहाँ से नीचे उतर के देखो मेरे छोटे छोटे बाल, और पता है किसने काटे हैं दिवेश ने, अपने ट्रिमर से मेरे पैसे बचा दिए 150 रुपए भाई, और क्या बताइए, बाल काट दिए ट्रिमर, बढ़िया नहीं काटे, अच्छे काटे। सो अभी ऐसा करते हैं यार, यहाँ देख के मन कर रहा है कि अभी क्योंकि एक बज रहा है और अभी हम कसौल घूमेंगे, फिर उसके बाद कसौल के बाद पड़ता है मणिकरण, सो वहाँ भी घूमने जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि हम आज परासर जा पाएंगे। सो परासर का प्लान आई थिंक हम कैंसिल करने वाले हैं और यहीं घूमेंगे, और हो सकता है कि हम यहाँ रात में स्टे भी करें अगर अच्छा लगा तो, ठीक है, बाकी नहीं भी हुआ तो हम 8-9 बजे तक घूम के और अपना वापस चले जाएंगे, ठीक है। पार्वती रिवर है साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो यही है पार्वती रिवर और यहाँ पार्वती वैली जो बोलते हैं, आई थिंक यही होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। अच्छा अच्छा, वो जो पीछे दिखा था ना वो वही है, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 2। अच्छा, वो जो पीछे पाइपलाइन आ रही थी यहाँ पर, सही है। चलो अभी चलते हैं और कसौल दिखाते हैं। सो गाइस, अभी आपने जो देखा वो कसौल था, और हमें देखने में ये कुछ कुछ गोवा की इसने याद दिलाई, क्योंकि गोवा में जब हम बीच की साइड में जाते हैं, अरम्बोल, हरमल जो बीचेस हैं
नॉर्थ गोवा में, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही मार्केट है, बस उससे ज्यादा दुकानें होती है वहाँ पे, पर लगभग वैसा ही है। और वहाँ पे अंग्रेज वगैरह दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर जो दुकानें या स्टॉल वगैरह लगाते हैं वो वहाँ पे अंग्रेजी होते हैं, मतलब रशियन होते हैं, वो सब जो है वहाँ बेच रहे होते हैं, और वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे फील है उस चीज का। और ग्रीनरी वहाँ पे भी इतनी है, और वो बिल्कुल सेम यहाँ पे। यहाँ तो कैंप्स भी हैं, कैंप्स भी हैं यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे हैं मणिकरण पहले, और मणिकरण को करके आते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे हम कसौल में। गाइस हम आ चुके हैं गुरुद्वारे की पार्किंग में, ये है पीछे पार्किंग पूरी देख रहे हो, ठीक है, और पीछे है गुरुद्वारे, जो गुरुद्वारा है वो यहाँ है, और यहाँ से आई थिंक जो हॉट वाटर है वो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाप जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता था कि इतना गर्म पानी है, उसमें से ऐसे धुआं निकल रहा है उसमें से, ठीक है। तो अभी हम वहीं जाएंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे, तो अभी हमको नीचे जाना है, हमको नीचे जाना है वहाँ पे, और देखो वो जो दिख रहा है आपको भाप दिख रही है वहाँ पे, और वही है हॉट वाटर जो बोलते हैं कि यहाँ पे जिसमें रोटी बनाई थी। सो बहुत ही सही है यार, मैंने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा है, ऐसे धुआं निकलने से आग लग रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, तो अभी चलो वहाँ से हमारी जो एग्जिट करेंगे इसमें पार्किंग में से, और नीचे पहुँचेंगे, अपने अपने मास्क पहन लो सारे के सारे, और फिर चलते हैं। अंदर से तो हम आ गए बाहर, और अंदर जो है आपको अपना ही जो है क्लोथ लेना पड़ेगा सर ढकने के लिए कोरोना की वजह से, तो ये ध्यान रखना। तो हम पर रूमाल था तो हमने अपने रूमाल से कर लिया था, बाकी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप जो है अंदर तो शूट कर ही नहीं सकते, बाकी बहुत सही बना हुआ है, एक बार तो आना बनता है, गर्म बहुत है, जहाँ जहाँ पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। आप कुछ फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे आगे। चलो गाइस अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और फिर वहाँ से देखते हैं कसौल में घूमेंगे कहीं, या और भी कोई आसपास की जगह सर्च करेंगे, क्योंकि हम पहले आए थे कि सिर्फ मेन मेन जगह घूम के चले जाएंगे, पर अब हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और भी जगह, अगर हमें टाइम मिलता है तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर लें, और बस गाड़ी तक जा रहे हैं, फिर चलते हैं।
कसौल क्या काम चल रहा है? सो गाइस अभी हम चल रहे कसौल के लिए। और ये तुम नहीं डालोगे? टेक टू।